शाहजहांपुर में रामनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को समर्पित 5 दिसंबर से शहर में निकाली जा रही प्रभात फेरी का आज समापन हो गया, जिसके आखिरी दिन आज सुबह 5 बजे गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सबसे आगे खालसा शिशु शिक्षा सदन के बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों में कर्तव्य करते चल रहे थे। उसके पीछे सोनिया कौर, सर्वजीत कौर, मुस्कान, नीना समेत तमाम बच्चे और महिलाएं गुरु महाराज की पालकी के आगे झाड़ू और पानी छिड़काव के साथ ही पुष्प वर्षा करते चल रहे थे, जिसके पीछे फूलों से सुसज्जित पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थे, जिस पर हजारों की संख्या में सिख संगत ने नतमस्तक होकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पालकी के पीछे समूह सिख संगत गुरु महाराज का यशगान करते हुए शब्द गायन कर रही थी। वहीं संस्था के अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह, संरक्षक अवतार सिंह मोगा के संचालन में प्रभात फेरी रामनगर जलालनगर महिला थाना से पुवाया रोड होती हुई गुरुद्वारा साहिब में समाप्त हुई, जहां पुष्प वर्षा से प्रभात फेरी का स्वागत हुआ। इस बीच शहर में जगह जगह पर प्रसाद और दूध चाय के स्टॉल लगाकर संगत का स्वागत सत्कार किया। वहीं वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर रागी भाई अंग्रेज सिंह ने शब्द गायन किया। वहीं अरदास के बाद सरदार करतार सिंह की ओर से अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुए। इसके बाद सरदार जगदीश सिंह, अवतार सिंह, कमरजीत सिंह बग्गा, वीरेंद्र पाल सिंह गोल्डी द्वारा 5 प्यारों और सेवादारों को सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष जगदीश सिंह ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस रविवार यानी 17 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसमें अमृतसर से भाई सतवीर सिंह कथा कीर्तन कराएंगे। हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश को कुर्बान कर दिया और जो है हिंदू धर्म की रक्षा की, इन्होंने मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये भी कहा है कि तिलक जंजू राखा प्रभु ताका कीनो बडो कलू महसा का, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया। उनकी याद में जो है वो पिछले 11 दिनों से 5 दिसंबर से प्रभात फेरी प्रारंभ की गई थी, जिसका आज समापन हुआ है, जिसमें गुरु महाराज की अगुवाई हेठ 5 प्यारों की छत्र छाया में ये नगर कीर्तन जो रामनगर जलालनगर अशफाक नगर चौकी पुआया रोड होता हुआ यहाँ पर समाप्ति हुई। समाप्ति के उपरांत सभी सेवादारों को, पंच प्यारों को सम्मानित भी किया गया है और परसों 17 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः से ही सारे कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रातः से ही श्रीखंड पाठ साहब की समाप्ति, उपरांत इस बार एक नया उत्साह संगत में आया है जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी का संपूर्ण इतिहास उनके जन्म से लेकर के और उनकी शहादत तक का जो है इतिहास संगतों को सुनाया गया है। उसके आधार पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है, लगभग 60 प्रश्न उसमें तैयार किए गए हैं, जो संगतों से ये प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि संगत को इतिहास की जानकारी मिल सके और संगतों में जो है वो गुरु के प्रति और ज़्यादा रुचि जागृत पैदा हो सके। 17 दिसंबर को जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें अमृतसर से विशेष तौर से भाई सतबीर सिंह जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो इतिहास के द्वारा संगतों को अवगत कराएंगे। जो राम मंदिर का कलश यहाँ पर आया है उससे संगत में बहुत उत्साह है, सिख संगत भी हम सब जो है उनके साथ में है, क्योंकि इस समय का समय ऐसा है कि जिसमें हिंदू समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज सबको एक होकर के सारे कार्यों में जुड़ जाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी का भी यही कथन था कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सारे कदम उठाए थे, भले ही हम खालसा हैं, हमारा धर्म अलग है, लेकिन हमें जो है वो किसी भी धर्म में जहाँ भी कोई कमी आती है या जहाँ भी कोई परेशानी दिक्कत आती है, हमें डट के उनका साथ देना है। और